हेलो एवरीवन, रेसिपीज़ बाय ऋतुजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चिकन सीख कबाब कैसे बनाते हैं ये दिखाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी, जूसी होते हैं और ये बहुत ही यमी लगते हैं। स्टार्टर के लिए अगर आपको कोई डिश बनानी है तो ये सीख कबाब आप ज़रूर बना कर देखिए। सेम रेसिपी फॉलो करके आप मटन कबाब भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ग्रीन चटनी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन लेके उसे अच्छे से वॉश करने के बाद मिक्सर में इसे ग्राइंड करके लिया है। और अगर ग्राइंड किए हुए चिकन में मॉइस्चर रहता है तो वो आपको निचोड़कर निकाल देना है। उसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्च कूट कर ली है, 2 टीस्पून घी और 2 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ बेसन लिया है। कबाब में बाइंडिंग देने के लिए बेसन काम आता है, तो बेसन को सिर्फ 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 प्याज लेकर उसको कद्दूकस कर लेना है और उसमें जो मॉइस्चर रहता है वो सारा निचोड़ लेना है। अगर कबाब के मिक्सचर में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहे तो वो अच्छे से नहीं बन पाते, तो प्याज को हमें बिल्कुल ड्राई होने तक निचोड़ लेना है और फिर इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद 1/2 नींबू का जूस लिया है, थोड़ी सी बारीक कट की हुई धनिया, उसके बाद कुछ पाउडर स्पाइसेस लगेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार लेंगे। जीरे को मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके कूट कर लिया है, इससे स्वाद बढ़िया आएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं। इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करना ऑप्शनल है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम चिकन के कीमे में ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हरी मिर्च का पेस्ट, फिर अदरक लहसुन की पेस्ट। घी हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि ये अंदर से भी एकदम जूसी और सॉफ्ट लगे। और फिर बाइंडिंग के लिए बेसन भी ऐड करना है, तो बेसन बाद में ऐड करते हैं, पहले ये पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये सीख कबाब हम विदाउट अवन और विदाउट तंदूर बना रहे हैं, फिर भी ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, बेसन ऐड करने से पहले इन मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले हाथों को वॉश करके ले और फिर मिक्स करें। मसाले इनमें अच्छे से मिक्स होने के बाद बेसन ऐड करेंगे। बेसन सिर्फ 2 टेबलस्पून लिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट है मिक्सचर, थोड़ा सा मॉइस्चर है इसमें, तो 1/2 टेबलस्पून बेसन आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब ये परफेक्ट मिक्सचर बन गया है कबाबों के लिए। अब इसे कोयले का स्मोक देना है, तो यहाँ पर मैंने कटोरी रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस कर लिया है। फिर कटोरी रखकर उसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए कटोरी में मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 लौंग भी डाली है। ऊपर से हम घी या फिर तेल ऐड करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। चाकुल का स्मोकी फ्लेवर कबाबों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। तब तक हम कबाबों के साथ खाने वाली चटनी बना लेते हैं। 1 मुट्ठी भर के धनिया पत्ता, 1 मुट्ठी भर के पुदीना लिया है, उसे हम ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देते हैं। फिर 4 से 5 हरी मिर्च ली है, लहसुन की कलियां ली है 4 से 5, फिर 1/2 चम्मच रोस्ट किया हुआ ज़ीरा ऐड किया है, फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, काला नमक का स्वाद अच्छा आता है, फिर रेगुलर वाला नमक और 2-3 टेबलस्पून दही ऐड करके इसे बारीक पीस लेना है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक ही इसे स्मोक दे दीजिएगा। यहाँ पर मैं इस कटोरी को अब निकाल रही हूँ। फिर से हम इसे एक बार हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब कबाब बनाने के लिए 1 स्क्वायर लेंगे। ये स्टिक नहीं है तो आप पेंसिल का यूज़ करके भी कबाब बना सकते हैं, फिर जो वुडन स्टिक होती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। कबाब बनाने से पहले स्क्वायर का थोड़ा सा पानी लगाकर गीला कर लेते हैं। फिर मिक्सर में से एक एक करके बॉल लेने हैं, इस तरीके का बॉल का शेप देना है और फिर स्क्वायर पर लगाकर इसे कबाब का शेप दे देना है। तो आपको जिस साइज़ के कबाब चाहिए उस साइज़ के बॉल्स लेकर आपको इसे शेप दे देना है। मिक्सर को ज़्यादा थिक भी नहीं रखिएगा, नहीं तो ये अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो इसी तरीके से हल्के हाथों से दबा दबा कर स्क्वायर को घुमा कर हमें इसे शेप दे देना है। और ये हमारा 1 कबाब बनकर तैयार है। थोड़ा सा आप गीले हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेते हैं
और इसी प्रोसेस से मैं बाकी के कबाब भी बना लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि मिक्सचर थोड़ा सा लूज़ है तो आप इसमें एक टेबलस्पून बेसन को रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बाइंडिंग के लिए आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये सारे मैंने कबाब्स बना लिए हैं, कुछ 6 कबाब तैयार है। इसे आप 10 या 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दे, 15 मिनट तक इसे सेट होने दे और फिर फ्राई करें। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में हम 2-3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर कबाब को एक एक करके इसमें रख देंगे। एक साथ कबाब फ्राई नहीं करने हैं, तो थोड़े थोड़े करके बैचेस में इसे फ्राई करें। तो पहले तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है, तो मीडियम फ्लेम पर कुछ 12-13 मिनट लगेंगे पकने के लिए। और यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं, तो इसे फ्लिप कर लेते हैं। सारे साइड्स के ऊपर सुनहरा कलर आने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके का टोंग का इस्तेमाल करके आप फ्राई कर सकती हैं। तो इसे फ्राई करते हुए 12-15 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये अंदर से बहुत ही सूखे सूखे बन जाते हैं, ड्राई लगते हैं, तो आप इसे मीडियम या फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर सकती है। कबाब प्लेट आउट करने का एक खास तरीका है, तो यहाँ पर हम प्याज के कुछ लच्छे रख देते हैं, ग्रीन चटनी को भी प्याज के ऊपर सर्व कर लेते हैं और फिर कबाबों के ऊपर हमें पिघला हुआ बटर ऐड कर देना है। बटर से तो एक तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और दिखने में भी लाजवाब लगते हैं, थोड़े से शाइनी और बहुत ही जूसी लगेंगे, खाने में भी मस्त लगते हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही अंदर से जूसी बनेंगे। तो इस टाइप से आप इसे ज़रूर बना कर देखिएगा और ये ग्रीन चटनी भी आप ज़रूर ट्राई करें, कबाब का स्वाद डबल कर देगी। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।